चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। इफ अ साइक्लिस्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड ऑन अ लेवल रोड कैन टेक अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 4 मीटर देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द साइक्लिस्ट एंड टायर एंड रोड इज। ठीक है, सबसे पहली बात मान लो ये लेवल रोड है, ये साइक्लिस्ट ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे मोड़ है, ठीक है, और उसका जो सेंटर है इसका वो है और यहाँ पर साइक्लिस्ट है, ये टर्न कर रहा है, ठीक है, और जब ये टर्न कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है जनरली हम लोग इसको रिएक्शन फोर्स से रिलेट करते हैं, रिएक्शन फोर्स इधर लगता है, उसका एक कंपोनेंट इधर लेते हैं, ये थीटा का लेते हैं, रिएक्शन फोर्स आर कॉस थीटा हो जाता है और इधर वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा हो जाता है, और इसको रिलेट कर लेते हैं, एम जी नीचे लग रहा है एम, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको रिलेट करते हैं, और सेंट्रिपेटल फोर्स आर होता है आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन के साथ रिलेट कर रहा है इसको, तो जब भी ये टर्न लेगा तो सरकने से बचने के लिए फ्रिक्शन फोर्स तो ऑब्वियस बात है इधर लगेगा, सरकना ये इधर चाहता है, इस तरफ सरकेगा अगर टर्न मतलब लेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और अब इस केस में फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, रिएक्शन फोर्स के साथ यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के साथ रिलेट कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इनटू एमजी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी, और ये एम वी स्क्वायर बाई आर हो गई, करेक्ट है, और एम से एम कट जाएगा, म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी, इधर आ जाएगा आर इंटू जी, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया 4.9, तो 4.9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 4 मीटर, 4 जी की वैल्यू को 9.8 कर देते हैं, चलो म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इधर कर दे रहा हूँ, 4.9 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9.8, ये 4.9 टू टाइम कटेगा, इसको काट देगा, ये 8 हो जाएगा, 4.9 डिवाइडेड बाय 8 म्यू, 4.9 डिवाइड बाय 8 कितना होगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 4.9 डिवाइडेड बाय 8 ना, ये आ रहा 0.6125, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, 0.61, ये वाला डी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।